और सीधे रुख करेंगे कर्नाटक में प्रधानमंत्री के संबोधन का। स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा, मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है फिर एक बार। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस, मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपीजी के लोग फोटो ले लेना। आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। अब आप हाथ फट जाएगा आपका। अरे बाबा, साथियों, जिस कांग्रेस का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है, उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया, इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा उसके पहले मैं पाकिस्तान को
टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले टेलीफोन पर ही नहीं आते थे, तो मैंने कहा इंतजार करो, हमारे फौज का लोग इंतजार करते थे। करीब 12 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके बाहर करता है, जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। और आज भी जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा। साथियों, 7 मई को आपका वोट वोट बैंक की राजनीति करने वालों को जवाब देगा। आपका वोट विकसित कर्नाटका, विकसित भारत की गारंटी बनेगा। मेरा अनुरोध है बागलकोट से मेरे अनन्य साथी पीसी गड्डीगौड़ जी और बीजापुर से हमारे वरिष्ठ साथी रमेश जिगा जिनागी जी को विशाल बहुमत से विजयी बनाइए। आप यहां अपने परिवार में अपने परिचितों से कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।